इंद्र के गांव नंदी खालसा में कुछ अज्ञात लोगों ने एक युवक पर गोली चला दी, जिसमें युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक को इलाज के लिए इंद्रीय अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। मिली जानकारी के अनुसार गांव नंदी खालसा का युवक रमेश अपने खेतों में काम करने के लिए गया हुआ था, जहां खेत में ट्यूबवेल के पास दो अज्ञात व्यक्ति आए और उन्होंने उसको गोली मार दी। घायल युवक रमेश ने बताया कि गोली मारने वाले लड़के कह रहे थे कि सरपंच के साथ झगड़ा करने का तुझे मजा चखाते हैं, यह कहकर उन्होंने उसको गोली मार दी और भाग गए। रमेश के बाएं कंधे पर गोली लगी है। सरकारी अस्पताल के डॉक्टर राजेंद्र ने बताया कि युवक के बाएं कंधे पर गोली लगी है, हमने इसको प्राथमिक उपचार देकर करनाल के लिए रेफर कर दिया। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी, लेकिन पुलिस इस मामले में कुछ भी बताने को तैयार नहीं हुई। कहाँ के रहने वाले हो? नंदी खालसा। क्या बात हुई? मैं खेत में बैठा था, दो आदमी आए और शूट कर गए। अच्छा जी। प्रवीण सरपंच का नाम ले रहे थे। प्रवीण सरपंच? हाँ। गाँव से किसी गांव में गोली चल रही है, गोली चला दी किसी ने, स्टेबल है, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है, कंधे पे लगी है गोली। अच्छा। तो अभी उनको फर्स्ट एड पूरा दे दिया गया है, मेला अभी उनका कार्ड दिया गया है, बाकी उनको अभी अपर हाई। तो क्या नाम बता रहे हैं? ये नाम नहीं बता रहे, ये बोल रहे कि कोई दो बंदे थे जिन्होंने मुझ पर गोली चला दी और भाग गए। ठीक है, हालत तो अब ठीक है? हाँ जी। हाँ, तो करनाल रेफर? हाँ, करनाल रेफर कर रहे हैं इनको, वहाँ पे इनके एक्सरे वगैरह होंगे, सर्जन ओपिनियन होंगे, ऑर्थोपेडिशन वाले देखेंगे। तो कौन ले गए आए थे हॉस्पिटल में? ये अपने पिताजी के साथ आए थे और बाद में पुलिस वाले भी खबर मिलते ही आ गए तुरंत साथ ही इनके।